नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आज रामनवमी है, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस पल का राम भक्तों को लंबे अरसे से इंतजार था, वो बस आने ही वाला है। आज अवधपुरी में राम का उत्सव है, राम का जन्मोत्सव है। पूरी अयोध्या सजकर संवर कर तैयार है प्रभु श्री राम के आगमन के लिए। 500 सालों के त्याग, समर्पण और तपस्या के बाद ये पहला मौका आया है जब भव्य मंदिर में विराजे रामलला का जन्मोत्सव भव्य तरीके से मनाया जाएगा। आज रामलला को सूर्य की किरणें भी स्पर्श करने वाली है, लेकिन सबसे पहले आपको रामनवमी के मौके पर रामलला के प्रथम दर्शन करवाना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में रामनवमी के पावन पर्व पर प्रभु श्री राम रामलला की दिव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रद्धालुओं की हुजूम रामलला के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा है। देखिए, प्रथम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रामलला के जन्मोत्सव की ये तस्वीरें हैं, जहां पर दिव्य तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पावन पर्व पर प्रभु श्री राम लला की दिव्य तस्वीरों के दर्शन आप कर रहे हैं। प्रथम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हजारों लाखों भक्त यहां पर उमड़ पड़े हैं, रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और देखिए किस तरीके से पूरे मंत्रोच्चार के साथ यहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। सूर्य की किरणों से रामलला का कपाट जगमगाने वाला है। प्रथम और पहली तस्वीरें सुबह की हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से लाखों श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं रामलला के जन्मोत्सव के लिए। और देखिए किस तरीके से उनका दुग्धाभिषेक भी किया जा रहा है। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर भव्य राम मंदिर में श्री रामलला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, और इस जन्मोत्सव की हर एक प्रक्रिया अविस्मरणीय रहने वाली है। इस बार त्रेता में जन्मे श्री राम के अभिषेक की तैयारियां जोर शोर से की गई है, और क्या कुछ होने वाला है ये भी आपको बताते हैं। आज दोपहर 12:16 पर जब श्री राम का जन्म होगा, उसी के बाद उनके माथे पर सूर्य की किरण पड़ेगी। भगवान राम का सूर्य अभिषेक विज्ञान के फॉर्मूले के तहत किया जाएगा, और ऐसे में वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया था और इसका बीते दिनों ट्रायल भी किया गया, जो की सफल रहा था। अब रामनवमी के दिन जब भगवान राम का जन्मदिन मनाया जाएगा, तो उस दौरान उनके माथे पर सूर्य तिलक किया जाएगा। इस पल के साक्षी देश दुनिया में बैठे राम भक्त भी बनेंगे। सूर्य तिलक के दौरान भक्तों को राम मंदिर के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी, और इसके लिए मंदिर ट्रस्ट ने लगभग 100 LED और सरकार ने 50 LED की व्यवस्था की है, जो कि रामनवमी समारोह को दिखाएगा और लोग जहां मौजूद हैं वहां से उत्सव देख सकेंगे। तो ये तमाम तैयारियां रामनवमी को लेकर यहाँ पर की गई है, और ऐसे में और क्या कुछ होने वाला है ये सारी जानकारी हमने आपको दी। शुक्रवार को राम मंदिर में रामलला के सूर्य तिलक का सफल ट्रायल हुआ था, और दर्पण के जरिए भगवान के मस्तक पर सूर्य की किरण डाली गई थी, और इस सूर्य तिलक का 1:19 का वीडियो भी सामने आया था। चलिए अब आपको भी दिखाएंगे कैसे सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर तिलक करती हैं। देखिए तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से जो ट्रायल हुआ था वो सफल रहा था, और वैज्ञानिक फॉर्मूले के तहत इसको किया गया, और ये ट्रायल सफल रहा, जिसके बाद आज रामनवमी के मौके पर, राम जन्मोत्सव के मौके पर इस सफल ट्रायल को सभी भक्तों के आगे किया जाएगा। और आपको बताएं, ये ट्रायल जो हुआ था ये भी 12 बजे ही हुआ था, और आज 12 बजे दोपहर 12 बजे देखिए किस तरीके से सूर्य की किरणें भगवान रामलला को यहां पर सूर्य तिलक करने वाली है, और पूरे वैज्ञानिक फॉर्मूले के तहत ये किया गया है। देखिए तस्वीरें कितनी अद्भुत है, और यही नजारा, यही भव्य नजारा सभी भक्तों को भी देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको बताएं कि हजारों लाखों की संख्या में भक्त उमड़ने वहां पर
स्टार्ट हो गए हैं। आज सभी भव्य इस भव्य पल का साक्षी भी बनने वाले हैं। तो देखिए तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से सूर्य तिलक आज होने वाला है और प्रथम तस्वीरें अयोध्या से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दुग्धाभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है पूरे मंत्रोच्चार के साथ। रामनवमी का पर्व, भव्य पल और साक्षी बनने के लिए आप देखिए तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए अयोध्या में किस तरीके से लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। भक्त यहां पर इस भव्य पल के साक्षी बनना चाहते हैं। तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से सरयू के घाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही यहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और देखिए गंगा किनारे यहाँ पर आशीर्वाद लिया जा रहा है और देखिए किस तरीके से लाखों की संख्या है और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं राम जन्मोत्सव के लिए। हमने आपको दिखाया किस तरीके से जो ट्रायल किया गया था सूर्य तिलक आज होने वाला है और देखिए दुग्धाभिषेक की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर दुग्धाभिषेक किया जा रहा है रामलला की भव्य मूर्ति का और इसी तरीके से जो पूरा कार्यक्रम रहने वाला है वो भी हमने आपको समझाया। ABP News आपको रखे आगे।